pulling and action. हेलो फ्रेंड्स, मैं जेजे फिनटेक्स की तरफ से सीए विशाल गोयल, एजुकेटर, ट्रेनर एंड टेक्स लर्नर, आज एक छोटा सा लेकिन टैक्स सेविंग वाला एक सेक्शन लेके आया हूँ आपके सामने। सेक्शन 87A रिबेट का सेक्शन है। 12,500 रुपये तक की हमें रिबेट मिल जाती है 5,00,000 रुपये तक की इनकम पे, सब लोग जानते ही हैं। लेकिन अगेन मैं सेक्शन डिस्कस कर रहा हूँ तो कुछ खास बात आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो कैसे अपनी इनकम पर 12,500 रुपये तक का टैक्स बचाएं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो 87A सेक्शन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कि कौन इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकता है, हु कैन अवेल रिबेट अंडर दिस सेक्शन, किस किस इनकम पर ये वाली रिबेट एलिजिबल है, उसके बाद कितने अमाउंट तक की इनकम पर टैक्स ये वाली रिबेट ले सकते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिबेट, तो कुछ बातें समझने जा रहे हैं, आइएगा। तो सबसे पहले कि किसको ये रिबेट मिलती है, तो रेजिडेंट इंडिविजुअल को ये रिबेट मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को। मतलब इनकम टैक्स में जितने भी पर्सन हैं, कंपनी, एचयूएफ वगैरह, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एंड दैट टू रेजिडेंट। जब रेजिडेंट कह रहा हूँ तो रेजिडेंट मीन्स ऑर्डनरीली रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डनरीली रेजिडेंट, लेकिन NR की बात नहीं कर रहे, तो NR को ये वाली रिबेट नहीं मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन, कौन कौन सी इनकम पर ये रिबेट एलिजिबल है, ये रिबेट कैसे मिलती है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपकी किसी भी नेचर की इनकम हो, उस नेचर की इनकम पे जितना टैक्स बनता है ये रिबेट अवेलेबल है। चाहे आपकी सैलरी की इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी की, कैपिटल गेन, कोई भी इनकम हो, इवन आपकी लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह की भी इनकम हो, तो भी उसके ऊपर जो टैक्स बनेगा ये रिबेट मिलेगी। लेकिन एक सेक्शन है 112A, क्या है वो सेक्शन, कि अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स या बिजनेस ट्रस्ट यूनिट बेची, तो उसके ऊपर 10% टैक्स लगता है, तो वहाँ पे ये रिबेट एलिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद कितने की इनकम तक ये रिबेट एलिजिबल है, आपकी जो भी इनकम हो अप टू ₹5,00,000 तक ये रिबेट आपको मिल जाती है। अप टू ₹5,00,000 तक अगर आपकी इनकम है तो ये रिबेट आपको मिल सकती है। नेक्स्ट आपके ऊपर बात आती है कि मैक्सिमम रिबेट कितनी है, तो मैक्सिमम रिबेट जितना आपका टैक्स बन रहा हो और ₹12,500 विच एवर इज लेस कि आपको रिबेट मिलती है। तो एक केस स्टडी से समझते हैं कि कैसे ये रिबेट काम करती है। आपकी टैक्सेबल सैलरी है लेट से 6,00,000 रुपये, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट इनकम आ रही है आपकी 10,000 रुपये, तो 6,10,000 रुपये की आपकी इनकम हो गई। डिडक्शन आप 80C में 1,50,000 रुपये की ले रहे हैं, 80TTA जो इंटरेस्ट का सेक्शन है, इंटरेस्ट की डिडक्शन देता है, 10,000 वहाँ पे ले रहे हैं, तो 1,60,000 रुपये की टोटल आपकी डिडक्शन हो गई। 4,50,000 रुपये आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आई, और इसके ऊपर अब जो टैक्स बनता है 0 से 2,50,000 तक नील, 2,50,000 रुपये से 5,00,000 रुपये वाले स्लैब में 5%, जो कि 10,000 आता है। लेकिन क्योंकि आपकी इनकम 5,00,000 रुपये से कम है तो आपको 12,500 रुपये तक की रिबेट मिलनी है, तो 10,000 की पूरी रिबेट मिल जाएगी और आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट केस स्टडी, अब इस केस स्टडी में मैं आपको रिबेट का फायदा समझाना चाहता हूँ। जैसे केस स्टडी 2 में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं तो 6,00,000 रुपये की इनकम, 10,000 रुपये आपका बैंक इंटरेस्ट, 6,10,000। अगर आपने डिडक्शन 95,000 रुपये की 80C में ली, 80TTA में आपने 10,000 ली, तो 1,05,000 रुपये की आपकी डिडक्शन बनी। 5,05,000, सिर्फ 5,000 रुपये ही 5,000 से एक्स्ट्रा हैं, 5,00,000 रुपये से एक्स्ट्रा हैं, और आपका टैक्स बन गया 13,500 रुपये, और ये 13,500 रुपये विद एजुकेशन सेस 14,040 रुपये पूरा लेना पड़ेगा। जबकि सिर्फ और सिर्फ अगर आप 5,000 रुपये कहीं और इन्वेस्ट कर देते 80C में या और किसी चीज़ में, जैसे कि मेरा राइट वाला पोर्शन दिखाया हुआ है, तो वहाँ पे आपकी डिडक्शन आपकी 1,10,000 रुपये हो जाती, और उसके हिसाब से आपकी इनकम 5,00,000 रुपये हो जाती, और जितना भी टैक्स बनता मतलब 12,500 रुपये उसके ऊपर आपको रिबेट मिल जाती और आपको कुछ टैक्स नहीं देना पड़ता। तो देखिएगा काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन है। अब मैंने कहा सेक्शन 112A उस इनकम के लिए टैक्स रिबेट नहीं मिलती है, तो उसके ऊपर एक केस स्टडी समझिएगा। आपकी टैक्सेबल सैलरी है लेट्स से 4,50,000 रुपये, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A आपने 1,80,000 रुपये कमाया, 112A कहता है 1,00,000 रुपये की आपकी इनकम एग्जेम्प्ट कर देंगे, तो 1,00,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो 80,000 रुपये ही आपका आउटसाइड कॉलम में जाएगा टैक्सेबल होने के लिए। तो ये आ गया 5,30,000 रुपये, 5,30,000 रुपये, और 10,000 रुपये आपकी इंटरेस्ट इनकम है, तो टोटल इनकम आपकी आई
5,40,000 रुपये। अब आपने डिडक्शन क्लेम की ATC में 90,000, ATTTA 10,000, 1,00,000 रुपये की, तो 4,40,000। अब आपकी इनकम 5,00,000 से कम हो गई, लेकिन फिर भी 87A की जो रिबेट है वो आपको नॉर्मल इनकम पोर्शन पे मिलेगी, वो आपके 112A की इनकम पे नहीं मिलेगी। तो अगर मैं कहूँ 4,40,000 रुपये में आपकी 112A की 80,000 की इनकम हटा देते हैं, तो बाकी 1,10,000 रुपये पे आपको 5,500 रुपये का टैक्स लगना है, जो कि पूरा का पूरा 87A में माफ़ हो जाएगा। लेकिन जो 112A का आ रहा है उसमें आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा, 8,000 प्लस एजुकेशन सेस 4% का, तो 8,320 का आपको टैक्स देना पड़ेगा। होप सो ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, प्लीज़ पसंद आई हो शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर आपको प्री क्वेरी रेजोल्यूशन लाइफ टाइम मिलेगा। आप अकाउंट से रिलेटेड, GST, इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हमसे फ्री में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।